हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द मफलर गाय। आज हम बात करने वाले हैं, ऐसी छह टिप्स मैं शेयर करने वाला हूँ बेसिकली टीन्स के साथ, जो उन्हें अपने टीनेजर टाइम में यूज करनी चाहिए। अगर आप अपने टीनेज में छह टिप्स को यूज करते हो, आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश उस टाइम भी लोगे एंड बाद में भी आपकी स्टाइलिश बहुत ऊपर रहेगी। ये चीजें इनमें से कुछ ऐसी हैं जो मैंने बहुत गलत की थी, जो नहीं करनी चाहिए थी मुझे। अगर मैं उस टाइम पे, मुझे पता होता ना, ऐसे मैं देख रहा होता मफला गाय की वीडियो उस टाइम पे, तो मैं वो ना करता हूँ। मेरा टीनेज बहुत ज्यादा अलग लेवल पे होता, लड़कियों में टॉर होती, लाइक अलग एक लेवल होता। तो वो बनाने के लिए आपको अपना टीनेज को पूरा फैशनेबल बनाने के लिए इन छह टिप्स का बहुत ध्यान रखना होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स। ये टीनेज एक ऐसी टाइम है जब आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग स्टाइल्स के साथ, अलग कॉम्बिनेशंस के साथ, कि यार मेरे ऊपर फॉर्मल ज्यादा सूट करता है, कि यार मेरे ऊपर कैजुअल सूट करेगा, यार शर्ट्स अच्छी लगेंगी, कि मेरे ऊपर टी शर्ट। तो टीनेजर ऐसा टाइम है जब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के साथ। आप फॉर्मल ट्राई कर सकते हो, आप कैजुअल ट्राई कर सकते हो, आप सेमी फॉर्मल ट्राई कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल ट्राई कर सकते हो, आपके ऊपर ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है। थोड़े थोड़े टाइम में चेंज करो, आप देखो कि यार अच्छा मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस आउटफिट को लेके, या लोगों को ज्यादा मैं इसमें पसंद आ रहा हूँ। तो टीनेज के बाद क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वो टाइम है जब आपको कॉलेज जाना है, बहुत लोगों से मिलना है, आपको इंटर्नशिप करनी है, जॉब, उस टाइम पे आप एक्सपेरिमेंट करने की स्टेज पे नहीं होते, क्योंकि उस टाइम जो आप हो लोग आपको वही समझेंगे। तो टीनेजर बेस्ट टाइम है एक्सपेरिमेंट करने का विद कलर्स, डिजाइंस, कैसे सूट्स पहनने हैं, कैसे स्नीकर्स, कैसे जूते रखने हैं, क्या एक्सेसरीज रखनी है, बेसिकली आपको अपना स्टाइल क्या रखना है। अगर मेरे को मेरे टीनेज में पता चल गया होता ना कि मुझे क्या स्टाइल रखना है, मेरे पे ज्यादातर फॉर्मल अच्छे लगते, तो मेरे पास फॉर्मल की ज्यादा कलेक्शन होती एंड ज्यादा हाइप होती मेरी उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। तो अपने टीनेजर को पूरा यूज करो सिर्फ इसलिए अपने स्टाइल्स को निकालने के लिए, कि कैसे स्टाइल्स आपके ऊपर अच्छे लगते हैं। एक्सपेरिमेंट करोगे तो एक और बेनिफिट है उसके साथ आपका। अब क्या होता है, अब मेरे को उस टाइम नहीं पता, तो अब मैंने बहुत कुछ, मैंने ट्रेडिशनल कैजुअल, अब तो सब चलो मैं कॉन्फिडेंस सब में हूँ, दैट्स गुड, बट अब मैंने सब ले लिया। तब आपको क्या रहेगा, टीनेज आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो एक पॉइंट पे आपको पता है कि आपको आपके वार्डरोब में ज्यादा क्या रखना है जो आपके ऊपर अच्छा लगता है। बट ये एक्सपेरिमेंट के चक्कर में भाई खर्चे ज्यादा नहीं करने हैं, डोंट गो विद द लोगोस कि हाँ यार ज़ारा, गुच्ची, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। Buy what look good on you. Brand कौन सा अच्छा लग रहा है, ये नहीं क्या आर्टिकल आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, go for that. मैंने हमेशा इसी चीज को प्रमोट किया, मैं अभी भी इसी चीज को प्रमोट करता हूँ, क्या आर्टिकल आपके ऊपर अच्छा लगता है आप उसके ऊपर जाओ, कौन से ब्रांड अच्छे लगते हैं उसके ऊपर कभी मत जाओ। पैसे भी बचते हैं यार, पैसा टीनेज में तो वैसे ही पापा के पैसे हैं, आपके पैसे नहीं है, तो घर वालों के फालतू पैसे नहीं उड़ाने। ये चीज ऐसी है जो मैंने अपने एक लास्ट वीडियो में बोली थी, जो वीडियो थी टी शर्ट्स के बारे में, मैंने उसमें भी इस बात का जिक्र किया था, टीनेज में ही है आप जब अच्छी तरह इसको सुधार ले सकते हो। अवॉइड ग्राफिक टी शर्ट्स, ग्राफिक है जो पैटर्न वाली टी शर्ट्स होती है उनको बिल्कुल अवॉइड कर दो। मैंने टीनेज में बहुत पहनी, स्पाइडरमैन बना हुआ है, अपना टाइम आएगा, कुछ ना कुछ लिखा होता है, या बड़े बड़े ग्राफिक्स बने होते हैं। हम एज अ टीनेजर हमें बहुत फंकी लगता है, बट हमें फंकी नहीं, हमें क्लासी बनना है। फंकी भी होता है एक स्टाइल, एक क्लासी होता है, लोग ज्यादा टीनेजर फंकी को चूज करते हैं, बट अगर आप क्लासी को चूज करोगे, यार लड़कियां भी हैं, लोगों की रिस्पेक्ट भी है, लोगों का ध्यान भी है, फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, फेमस भी जल्दी होगी। क्यों, क्लासी लुक हर जगह चल जाता है, हर किसी को पसंद है, टीनेज से ही अगर आप क्लासी लुक में घुस जाओगे तो बेस्ट है। तो टीनेज से ही ट्राई कर दो, जैसे मैंने पहनी हुई है, प्लेन टी शर्ट्स पहननी शुरू कर दो, या हल्का सा कुछ लिखा हो वो चलेगा, जैसे एक सिंगल ब्रांड नेम है, सिंगल लाइन, बड़े बड़े ग्राफिक्स वाली टी शर्ट्स बिल्कुल बंद, मना है, नहीं पहननी भाई, नहीं पहननी, बहुत बच्चे से लगता है, ठीक है माना टीनेज एक बच्चे का, लेकिन उसी टाइम पे अगर आप क्लासी और मैच्योर लग रहे हो, उससे बेस्ट चीज क्या है मुझे खुद बताओ। अगर आप टीनेज में क्लासी और मैच्योर लग रहे हो तो क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए गाइस। सो से नो टू ग्राफिक एंड प्रिंटेड टी शर्ट। नेक्स्ट है हेयर गेम। हेयर गेम क्या है, सबसे पहले अपने बालों को लंबा होने दो। टीनेज का टाइम ऐसा होता है जब आप अपने बालों पर इतना ध्यान नहीं देते हो, मैंने भी नहीं दिया, मैंने भी टीनेज के बाद दिया, वो मेरा ड्रॉबैक था। अगर मैंने उस टाइम भी दिया होता अब ज्यादा अच्छे बाल होते, बट स्टिल अच्छे हैं। आपको तब क्या करना है टीनेज में, तो अपने बालों को लंबे होते देना है, लेट ग्रो योर हेयर जितने लंबे वो हो सके। उससे क्या होगा, आप लंबे बालों के साथ एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर सकते हो, कि कौन सा हेयर स्टाइल आपके ऊपर सूट कर रहा है, लंबे बाल, छोटे बाल, स्पाइक्स बिल्कुल पीछे, क्या सूट करता है, ये डिपेंड करता है आपके बालों पे, कि आप जब उनको स्टाइल में करते हो। स्टाइल करने के लिए अगर लंबे बाल हैं,
आप ज्यादा ऑप्शंस है आपके पास ट्राई करने के लिए, ज्यादा स्टाइल्स करने के लिए, बट अगर आपके पास छोटे हैं आप लिमिटेड रहोगे, आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और टीनेजर का टाइम क्या है, एक्सपेरिमेंट करने का। सो बालों को ग्रो करने दो एंड ट्राई करो, सलून जाओ थोड़े थोड़े टाइम में, ट्राई करो कि हाँ अब ये हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, अब मैं ये लुक रख के देखता हूँ। एंड प्लीज गाइस, हेयर प्रोडक्ट टीनेज में ही वो भारी मात्रा में यूज करने मत शुरू करना। इसके ऊपर मेरी जो लास्ट वीडियो है आप देख सकते हैं, ऊपर कार्ड में आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट है एसेसरीज। एसेसरीज बहुत जरूरी होती है, बट कैसे पहननी है, कौन सी पहननी है, कितनी पहननी है, ये जानना जरूरी होता है। अब टीनेज में मुझे पता, मुझे भी बहुत होता था यार, कभी रिंग्स खरीद ली, कभी बैंड्स खरीद लिए, कभी वॉच खरीद ली, और बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद के पहननी भी एक साथ ही है सारी। यार वो नहीं करना, वो बुढ़ा होगा तेरा बाप वाला काम नहीं करना कि तीन तीन दो दो वो पहनी वॉचेस। नहीं, एसेसरीज अच्छी लगती हैं, क्लासी लुक देती है, बट अगर वो लिमिट में और अच्छी वाली हो। आप ओवर नहीं करना है एसेसराइज अपने आप को, कभी भी ओवर एसेसराइज नहीं करना है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। मैंने इस में वॉच पहनी है क्योंकि मेरे लुक के साथ जा रही है, तो वॉच पहले वो खरीदो जो आपके लुक के साथ जा रही हो। सेकेंड, आप इस हाथ में एक कोई बैंड पहन सकते हैं। मेरे सारे बैंड अभी दूसरे रूम में तो मैं ला नहीं सका, बट आप इस हाथ में बैंड पहन सकते हैं, इस हाथ में वॉच पहन सकते हैं। बैंड एक या मैक्स दो, अगर वो छोटे हैं तो दो, मोटा है तो एक ही। इससे ज्यादा आपको बैंड्स नहीं पहने, वो ओवर लगते हैं। रिंग्स आपकी मर्जी, मेरे पे सूट नहीं करते इसलिए मैं पहनता नहीं हूँ। टीनेज परफेक्ट टाइम है ये एक्सपेरिमेंट करने का कि रिंग्स सूट करती है या नहीं, तो आप देख सकते हो। लेकिन ओवर वो भी नहीं करना, जितना ही सूट करे फिर भी ओवर नहीं करना है। लोग लॉकेट्स पहनते हैं, डॉग टैग्स पहनते हैं, चेन्स पहनते हैं। भाई सबसे पहले तो वो सोने की चांदी की चेन्स पहन के बाहर नहीं घूमना है, बहुत बेकार लगते हो। शूट है कोई या पर्पस है दैट स्कूल, बट वैसे नहीं, बहुत अजीब लगते हो। ओवर लॉकेट्स नहीं करने, एक टाइम पे एक ही लॉकेट पहनना, ये नहीं चार पांच पहन के घूम रहे हो, वो होता है ओवर एसेसरीज, जो नहीं करना आपको अपने ऊपर। परफेक्ट टाइम है ये देखने का कि लॉकेट जचते हैं, चेन्स जचती हैं, खाली लग, जैसे मेरे को कुछ सूट नहीं करता अगर मैं गले में पहनू, नहीं सूट करता ना मेरे को रिंग्स सूट करती, इसलिए ना रिंग से ना गले में कुछ, मेरे को वॉच कड़ा और कुछ मैं बैंड्स पहन लेता हूँ वो सूट। बैंड्स भी भाई वो रेडियम वाले नहीं, वो जमाना गया फ्रेंडशिप बैंड्स नहीं, प्रॉपर लेदर के बैंड आते हैं, आपको नीचे मिल जाएगा। आप देख सकते हैं लिंक्स, मैं सारे दे दूंगा, रिंग्स के भी थोड़े, लॉकेट्स के थोड़े, इसके थोड़े, वॉच के, ताकि आप देख सकें। हमने एसेसरीज की बात तो करी है, तो इस पॉइंट को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स, टेक केयर ऑफ योर थिंग्स। कैसे, क्या मतलब क्या है मेरा, हम एयरपोर्ट है बस में थोड़ी ना जो अपनी चीजों का ध्यान रखना है। नहीं, आपको क्या करना है, आपकी वॉच, आपकी सनग्लासेस, आपके बैंड, शूज, टी शर्ट, कुछ भी है उसका ध्यान बहुत प्यार से रखना है। क्यों, खराब होने का बहुत डर रहता है, टीनेज में हम थोड़े लीनियंट भी होते हैं, तो वो लीनियंसी नहीं दिखानी है। एंड फिर से बता रहा हूँ, आपके डैड के पैसे आपके पैसे नहीं है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर अगर मौसम खराब को लग रहा है, बारिश होने वाली है या हुई है, ब्रांड न्यू वाइट स्नीकर, ब्रांड न्यू वाइट क्लोथिंग नहीं करनी है, कुछ ऐसा पहनो जो, हाँ शॉर्ट्स पहन लो कुछ ऐसा कि जो खराब होगा तो ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अपनी चीजों को बचा के रखना है। वॉच को घर आके उतारा, उसको उसके केस में रखना, ऐसे नहीं फेंक देना, उसका शीशा खराब हो सकता है, उसका मैकेनिज्म खराब हो सकता है, आपको फिर नया लेना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। आप गॉगल्स पहनते हो तो गॉगल्स को उनके केस में रखना है बाहर, क्योंकि तो उनके भी ग्लासेस जो होते हैं उन पर वो आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, जो बहुत बेकार लगते हैं, आपको वो भी नहीं करना है। आपके कोई भी चाहे आपके कपड़े हैं, आपके एक्सेसरीज, आपके शूज हैं, कुछ भी है, उसको प्रॉपरली उसका ध्यान रखना है। कब क्या पहन रहे हो वो भी आपको देखते हैं कि ऐसी, जैसे आप डेजर्ट में घूम रहे हो तो आपने बूट्स पहन लिए, दैट्स कूल, डेजर्ट में बूट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आप स्नीकर्स पहनोगे वो स्नीकर्स के अंदर चली जाएगी, बट वो बूट्स थोड़े हाई एंकल होते हैं तो उनमें चांसेस कम होते हैं। बाकी ट्राई करो कि आप बीच पे हो तो चप्पल में घूमो या सैंडल्स में घूमो, फ्लिप फ्लॉप्स या सैंडल्स, डोंट गो विद द बूट्स और शूज, क्योंकि खराब होते हैं यार, बीच है वो, वहाँ पानी है, वहाँ मिट्टी है। सो अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर किसी के लिए, सिर्फ टीनेज के लिए नहीं है, बट अगर टीनेज लाइफ में आप इस पॉइंट पे फोकस कर जाते हो तो आपको आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट लिसन टू हेटर्स, ये बहुत होता है टीनेज में शुरू हो जाता है, लोग आपको बोलेंगे यार तेरे पे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो छोड़ मत पहनेंगे यार, तो बहुत बेकार लग रहा है इसमें। नहीं, आप कंफर्टेबल हो, यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट, पहनो। यार रणवीर सिंह को हजार लोग बोलते हैं लेकिन वो फिर भी अपनी मर्जी का पहनता है, और मैं बता रहा हूँ बहुत सही लगता है। हेटर्स की मत सुनो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, आप वो करो जो आपको सही लगता है, आपको लगता है कि आप फॉर्मल में अच्छे लग रहे हो तो पहनो। लोग बोल रहे हैं यार नहीं तू फॉर्मल में अच्छा, भाई छोड़, तुझे पता है ना तू कॉन्फिडेंट है,
तुझे तेरा क्लोज वन आके जब तक ना बोले ना कि यार ये तेरे पे सूट नहीं कर रहा था, तो उस बारे में सोचना भी नहीं। हेटर्स का काम होता है आपको डीमोटिवेट करना, वो आपको ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, ना उस लेवल तक वो खुद आ सकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनके लेवल पे नीचे आ जाओ, जो नहीं आना है। कोई इन पर ध्यान ही नहीं देना है, उनको जवाब भी नहीं देना है, सिर्फ अवॉइड करना। अगर ये टीनेज में आप सीख गए, लाइफ लॉन्ग आपके अंदर ये हैबिट रहेगी, वो बेस्ट है। हेटर्स के मुंह लगना, हेटर्स को जवाब देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। टीनेज में आपकी लाइफ भी वो खराब करता है, कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसकी वजह से आप डिप्रेशन, बहुत स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन में जाओगे, वो भी नहीं करना। सो हेटर्स की भी नहीं सुनते हैं। 6 पॉइंट हो गए। क्या 6 पॉइंट थे? टीनेज की लाइफस्टाइल को, फैशन सेंस को बदलने के 6 पॉइंट थे, ये आपके हो गए। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने सारे टीनेज के दोस्तों के साथ, ताकि उनका टीनेज भी बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाए। वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। कमेंट करके बताना कि आप अभी टीनेज में क्या कर रहे हो, आपका क्या स्टाइल है, आपके ऊपर क्या ज्यादा सूट करता है, कौन सा हेयर स्टाइल आप फॉलो कर रहे हो, मुझे जरूर बताना। मैं जानना चाहूंगा सबका, कि सबका क्या रूटीन है, क्या फैशन सेंस है सबकी। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत वीडियोज आने वाली है, एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना।